नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केयर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट गुड ईयर इंडिया लिमिटेड, बिकॉज कंपनी ने आज अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया है, डिविडेंड रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट किया। तो चलिए फटाफट कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्डेड को चेक करते हैं। एंड आज के प्राइस में देख सकते हैं, आज के दिन में लगभग 0.54% उछाल के साथ क्लोजिंग हुआ 1428 के प्राइस में। कंपनी ने आज डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। यहाँ देख सकते हैं 26 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया गया, इंटरिम डिविडेंड 26 रुपीज पर शेयर, यानी एक शेयर आपको मिलेंगे 26 रुपये। एंड रिकॉर्ड ईयर जो कंपनी ने अनाउंस किया वो देख सकते हैं यहाँ पर 12 फरवरी 12 फरवरी 2024 का रिकॉर्ड डेट है। मूविंग टू द रिजल्ट पार्ट, की कंपनी ने रिजल्ट कैसा अनाउंस किया है। सो फ्रेंड, यहाँ जो भी हम लोग नंबर डिस्कस करेंगे वो आपका रहेगा लाख में। एंड यहाँ पर हम लोग बताना चाहूंगा, ये है स्टैंड अलोन ऑडिटेड रिजल्ट, स्टैंड अनऑडिटेड रिजल्ट हम लोग अभी चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहला ये 2022 का रिजल्ट है, जो प्रीवियस ईयर, ये आपका कंपनी ने आज रिजल्ट अनाउंस किया है। एंड ये आपका प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है। स्टार्टिंग विद इनकम पार्ट, तो यहाँ देख सकते हैं 59,658 का कंपनी ने इनकम अनाउंस किया है। टोटल इनकम लास्ट ईयर था 69,296 का, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में देख सकते हैं अच्छा खासा गिरावट है कंपनी के इनकम में। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस में गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस में देखिए 69,456 से गिर करके 59,658 हो गया, यहाँ भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। कंपनी के एक्सपेंस को चेक करेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस 56,647 का है, लास्ट ईयर था 65,990, प्रीवियस क्वार्टर में था 64,380, यानी कंपनी का इनकम भी गिरा है, एक्सपेंस में इन्होंने कटौती की है, तो जो कि बढ़िया है। अब कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड चेक कर लेंगे कि कंपनी का कितना प्रॉफिट आया। तो यहाँ देख सकते हैं 2186 का कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है आफ्टर टैक्स, टैक्स डिडक्शन, टैक्स माइनस करने के बाद। लास्ट ईयर था 2441 का, 2441। तो यहाँ भी देखिए ईयरली बेसिस में गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस में भी 3794 से गिर करके 2186 का हो गया, तो यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रहा है। ईपीएस देख सकते हैं 9.48 का है, लास्ट ईयर था 10.58, तो ईपीएस में भी गिरावट है एंड क्वार्टरली बेसिस में भी गिरावट है। तो कंपनी की इनकम में भी गिरावट है, प्रॉफिट में भी गिरावट है, ईपीएस में भी गिरावट है, तो रिजल्ट मेरे अनुसार उतना अच्छा नहीं है। अब कंपनी का चार्ट को चेक कीजिएगा, यहाँ देख सकते हैं चार्ट में एक इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो है लगभग 1270, 1260 का लेवल था, वो आज कंपनी ने उसको ब्रेक करने की कोशिश किया है। इसलिए जैसे भी जो भी आपका ट्रेड है, आप अपना ट्रेड को ध्यान से जो भी इनिशिएट कीजिएगा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइस संपर्क करने के बाद ही। तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट, आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।